ऑटोनोमस एक मूवमेंट बनाना पड़ेगा, एक छात्रों का, एक युवाओं का, एक दलितों का एक फ्रंट बनाना पड़ेगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। ये हम लोगों को आज करना है, तभी हम लोग एक 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 जनवादी एक समाज एक इंडिया में हम लोग एक एक, एक कायम करने के लिए हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और आने वाले दिनों में मुझे भरोसा है कि डेमोक्रेटिक फोर्सेस विल स्टैंड अप टू दिस चैलेंज विच वी आर फेसिंग, विच द पीपल ऑफ दिस कंट्री इज फेसिंग एंड द यूथ्स ऑफ दिस पीपल ऑफ दिस कंट्री आर फेसिंग एंड द स्टूडेंट्स ऑफ दिस यूनिवर्सिटी ऑफ दिस कंट्री एट लार्ज आर फेसिंग। एंड आई थिंक इन दैट आई विल हैव आई सपोज दैट द लेफ्ट फोर्सेज, सो कॉल्ड लेफ्ट फोर्सेज विल स्टैंड विद द पीपल। आज जिस तरीके से हम लोग यहाँ पे छोटे मात्रा में ही सही जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसमें बहुत बड़े बड़े संगठन तो नहीं दिख रहे हैं जो लेफ्टिज्म का दिन रात प्रचार कर रहे हैं और उसके उस पर स्वेयर करते हैं, वो लोग तो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे। खैर ठीक है, हम लोग अपना संघर्ष जारी रखेंगे। और हम लोग ये भी बोलना चाहिए कि उन लोगों को, अगर आप लोग सिर्फ कम्युनलिज्म के खिलाफ एक रेटोरिक में ही रहना चाहते हैं तो हम लोगों को वो मंजूर नहीं है। हम लोगों को कॉन्क्रीट सॉलिडारिटी अगर आप बनाना चाहते हैं, यूनिटी बनाना चाहते हैं, तो ऐसे स्ट्रगल्स में होता है, वो कोई रेटोरिक में नहीं होता है। और ये क्लियर हम लोगों को ये रखना पड़ेगा। और इसी के साथ मैं आप लोग सब लोगों को धन्यवाद कहना चाहता हूँ, आप लोग इस तरीके से धैर्य से मेरा बात सुने। और हो सकता है आने वाले दिनों में कासगंज में और भी वायलेंस ये लोग इरप्ट करें, क्योंकि हम लोगों को पता है कि वहाँ पे डीएम आके बोल रहा है, वहाँ का डीएम आके बोल रहा है कि यहाँ पे कुछ तत्व है जो मुसलमान एरिया में डिलीबरेटली जाते हैं और ऐसे प्रोवोकेटिव वहाँ पे नारा वारा देते हैं और मुसलमानों को इस तरीके से टारगेट किया जाता है। तो ये बात हम लोग को ये भी पता है, लेकिन कि वहाँ का पुलिस 144 सेक्शन 144 कर्फ्यू लगाने के बाद भी इतने सारे वहाँ पे घर जलाए गए, और वो भी मुसलमान घर ही जलाए गए, क्योंकि इन लोगों को पता है कि मुसलमानों को इकोनॉमिकली भी वीक करना है, फाइनेंशियली भी इन लोगों को वीक करना है, ये इन लोगों का मंशा क्लियर है। इसलिए वहाँ पे वायलेंस हो रहा है और आने वाले दिनों में बढ़ सकता है। तो इसके खिलाफ भी हम लोगों को अगर यूपी भवन घेरना हो तो हम लोग जाएंगे और योगी जी को बोलेंगे कि आपका ये कम्युनल जो राजनीति है आप बंद कीजिए, नहीं तो हम लोग और भी भारी मात्रा में आपके आपके ऑफिस में अभी तो यूपी भवन आए आपके लखनऊ में आके हम लोग हल्ला बोल करेंगे। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य शेष करता हूँ। जय भीम लाल।